हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज स्वर्णिम क्लास में आपका स्वागत है। जो अंकगणित की श्रृंखला चल रही है उसमें लाभ और हानि वाले टॉपिक पर आज हम लोग विचार करेंगे और ये श्रृंखलाबद्ध रूप से चल रही है, तो जिसमें आज की सीरीज में हम कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए रुपया 517.50 का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न किस तरह से आपस में कोरिलेट रहते हैं, आपस में सहसंबंध रखते हैं, तो चलिए उस पर विचार करते हैं। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को, सी ने इसके लिए इतना, तो अंतिम प्रोडक्ट सी बाकी सबका परसेंटेज में है, सी का है रुपए में। अगर हम ए का, ए ने कितने में खरीदा था उसको पता कर लें। माना ए ने एक्स रुपए में खरीदा, वस्तु को कितने में खरीदा, एक्स रुपए में खरीदा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य एक्स रहा। अब क्रम वाइज आप चलते रहिए, 15% लाभ पर उसने किसको बेचा है, बी को, तो एक्स गुणे 15% लाभ हुआ है, तो 115 हो जाएगा, 100 में 15 जोड़ देंगे, बटा 100 गुणे, ये तो ए का हिस्सा हो गया, ये हो गया बी का, बी इतने में पाया, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, लास्ट प्रोडक्ट सी का है तो 10% हानि है, तो 100 में से 10 निकाल दो, 90/100 और बराबर, ये तो सी का हिस्सा हो गया, मतलब यहाँ से चलते चलते ये जो टोटल बचा ये किसका हिस्सा हो गया, सी का, और सी का हिस्सा रुपए में दिया गया है 517.50, तो 517.5 जो है सी का भाग है, ए टोटल सी का भाग है, ए एक्स था, ए का हिस्सा इसने दे दिया बी को, बी ने दे दिया सी को, टोटल ओवरऑल मिला के 517.50 के बराबर हो गया। अब इसी को हम कितने जल्दी हल कर लें, ये हमारे गणितीय ज्ञान पर निर्भर करता है, तो चलिए 0 to 0 कैंसिल, बाकी त्रिक गुणा कर दीजिए, एक्स बराबर 517.50 से 10.2 अंक खिसका दिया, 10 और बढ़ा दिया, बटा 115/9। अब देखिए 5, 5, 10, 18, 9 से इसको काट देंगे, 9 × 9, 9 × 5, 45, 9 × 5, 45, 6, 51, 67, 9 × 7, 63, 63, 4, 67, 45, 9 × 5, 45 और एक इसको काटेंगे 115/5, 575 हो जाएगा, 00 है, 00 आप बढ़ा दीजिए, तो सब कट करके हो गया 500, मतलब कितने में, 500 में क्रय किया था। तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, 500 रुपये। कुछ नहीं करना होता ऐसे प्रश्नों में, देखते चलिए। ए का हिस्सा एक्स मान लिया, 115/100 किया, लाभ है तो जोड़ लेंगे, हानि होगी तो घटा के 100 पर निकालेंगे, 10% हानि पर है तो 100 में से 10 निकाल लिया, 90/100 सबको मिला के इसके बराबर कर दिया, जितना था क्रमशः गणना कर लिया, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक वस्तु को रुपया 1,754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1,492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है, आपसे वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, अब दिमाग में एक आइडिया बैठाइए कि वस्तु को इतने में बेचकर लाभ होता है उतना ही जितना इतने में बेचकर हानि होती है, तो हानि के कंडीशन में क्या होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है कि विक्रय मूल्य, हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, लाभ के कंडीशन में
क्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, इससे आप परिचित हैं। हानि के कंडीशन में क्या होता है और लाभ के कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों स्थितियों से आप परिचित हैं। तो देखिए इसमें इसने क्लियर कर दिया कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है और लागत मूल्य का लाभ और हानि से संबंध क्या है। तो एक संबंध बना दिया है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य x मान लेते हैं, लाभ की कंडीशन में क्या होगा 1754 माइनस x करेंगे, और हानि की कंडीशन में क्या होता है x माइनस 1492 करेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि जितना इसमें लाभ हो रहा है उतना ही इसमें हानि होती है, और उतना ही लाभ उतनी ही हानि की बात है। तो x इसमें से घटाएंगे, x में से इसको घटाएंगे और इसी को हम हल कर लेंगे। ये x को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, देखिए माइनस x को इधर ले जाएंगे प्लस x हो जाएगा, x x 2x हो जाएगा, और 1754 इधर है माइनस यहाँ है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1492 हो गया। तो x बराबर 4, 2, 6, 9, 5, 14, 7, 4, 11, 12, 1, 1, 2, 3, 3246/2 हो गया। इसको आप आराम से काट सकते हैं, 2, 1, 2, 1, 3, 12, 2, 6, 12 और 2, 2, 4, 2, 3, 6, 1623 रुपया, ये रहा अपना फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रश्नों में क्या है कि केवल शर्त पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रेजेंस आप माइंड लगाइए, आराम से आप देखेंगे धीरे 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 किस प्रकार से आप मजबूत हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, सेम नेचर है प्रश्न का, वस्तु को इसमें केवल 996 और 894 वाली स्थिति में चेंजिंग हुई है, उतना ही लाभ होता है जितना 894 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अभ्यास आप अगर तुरंत कर लेंगे तो दिमाग में जगह बना लेगा। तो जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, दोनों का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आपको पता है कि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, अर्थात 996 माइनस x करेंगे, और जब हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो इसमें क्रय मूल्य में से उसको घटाया जाएगा x माइनस 894। उसके बाद साइड चेंज करेंगे, x उधर चला गया, x x 2x हो गया, 996 प्लस 894 दोनों को जोड़ दिया, x बराबर 6, 4, 10, 9, 9, 18, 18, 19, 9, 8, 17, 1, 18, 1890/2, 2, 9, 18, 2, 4, 8, 9, 10, 2, 5, 10, तो 945 एकदम सेम उसी पर आधारित है। आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आपका तई आपके हाथ से फिसलेगा नहीं, इतना ध्यान में रखिएगा। देखिएगा दिया गया है, एक कपड़ा विक्रेता रुपया 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर, मतलब एक मीटर पर 10 रुपया लाभ कमाता है, 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, एक मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। यहीं देखिए शर्त छिपी हुई है, 145 मीटर कपड़े का दाम है 12,325, तो एक मीटर कपड़े का दाम, और एक मीटर कपड़े का दाम वो भी तब जब उसने लाभ लिया है तब, एक मीटर कपड़े का दाम बराबर हो जाएगा 12,325/145। 12,325 में आप 145 से भाग दीजिए, काटेंगे तो हो जाएगा 145 से भाग देना है। चलिए जब तक सोचते हैं उससे अच्छा काम आगे बढ़ा देते हैं, 5×2 10, 2×3 23, 32, 5×6 10, 32, 25, 55, 25, 5×10 4×14, 5×9 45, 2,465 हो गया, 2,465 में हम 29 से भाग कर देते हैं, 2,465 डिवाइड करेंगे 29 से, तो कितनी बार जाने का चांस है,
पाँच दूनी दस, छः दूनी बारह, सात दूनी चौदह, आठ दूनी सोलह, नौ दूनी अट्ठारह। तो नौ तक तो जाएगा नहीं क्योंकि साइड में नौ है, आठ पर चेक करते हैं। आठ नौ बहत्तर, आठ दूनी सोलह, सोलह सात तेईस, छः में से दो निकला चार, चार में से तीन निकल गया एक, एक पाँच हो गया, पाँच बार तो क्लियर हो जाएगा ये। पाँच नौ पैंतालीस, पाँच आ गया पचासी। ये पचासी लाभ सहित है, जब एक मीटर पर दस रुपये का लाभ लिया तो लाभ लेने के बाद एक मीटर का रेट आया है पचासी, लाभ निकाल दें ये तो विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर पचासी में से दस निकाल दीजिए, पचहत्तर रुपये, पचहत्तर रुपये में खरीदता है, पचासी में बेच देता है, तब जा कर के ऐसी कंडीशन में उसको इतने में बेचने पर दस मीटर, दस प्रति मीटर का लाभ होता है। तो सवाल की शर्त समझिए, उसी में इतना उलझा देगा। अगर आप उस प्रश्न को तुरंत स्थित के हिसाब से नहीं समझेंगे तो आप हर वक्त परेशान रहेंगे और उसी समय आप उलझुल हरकत करते हैं। किसी ने समझा दिया कि बहुत कठिन है तो आपके दिमाग में आ गया हाँ बहुत कठिन है, या किसी ने कहा कि हाँ इसका कोई शॉर्टकट है तो आप शॉर्टकट के चक्कर में चले गए। देखिए जब तक आप कोई किसी भी प्रश्न को महसूस नहीं करेंगे तब तक चाहे शॉर्टकट हो चाहे लॉन्ग कट हो कहीं आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं। इसलिए बहुत ही सब्र के साथ इन प्रश्नों को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऐसे प्रश्न वन लाइनर बहुत ही मायने रखते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? बेचा है 100 में, लाभ हुआ है 20 का, प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था? 100 में से 20 घटा दीजिए 80 हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ कितना? तो प्रतिशत लाभ बराबर आपको पता है कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ इसका हो रहा है 20, क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 में से 20 घटा दिया 80 गुणे 100, हल कर लीजिए, दो को दो, दो चौक आठ, और 100 में चार से भाग करेंगे 25, तो इस तरह से आंसर आ गया है 25% का लाभ होता है। चुटकी बजाते ही आप हल कर सकते हैं, केवल ये है कि कंडीशन को ध्यान में रखिए बस। एक सोफे को रुपया 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? ऐसे सवाल आप लगाते लगाते एकदम अभ्यस्त हो चुके होंगे कि 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। तो सबसे पहले इसकी 100 से तुलना किया जाता है, 10% लाभ होने का मतलब 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य की स्थिति में क्या होगा कि 100 ऊपर रखा, 10% का लाभ हो रहा है तो उसको आप नीचे रखेंगे, 100 में 10 जोड़ दिया 110 और गुणे 19,800 कर दिए, उसके बाद आप इसको हल कर डालिए, 0 to 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 को 11 यानी 11 11 7 8 19 88 11 8 88, 180 हो गया, और 180 में 100 से गुणा कर देंगे, 180 है 00 18,000। क्रय मूल्य कितना था? 18,000। बेचा कितने में? 19,800 में। कितना लाभ हो गया? 10%। तो प्रतिशत में आप चलेंगे तो इस तरह से 18,000 में खरीदा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में बैठा लीजिए कि जब भी ऐसे प्रश्नों का क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 पर मान के 100 बटे क्रय मूल्य लाभ सहित, मतलब विक्रय मूल्य गुणे जितनी धनराशि दी गई हो उससे कंपेयर कर लीजिए। एक वस्तु को रुपये 450 में बेचने से 25% हानि होती है, ऐसे कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो? तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्रय मूल्य के लिए अभी आपने पीछे फार्मूला देखा ही, 25% हानि हुई है तो 100 बटे 25% हानि हुई है तो 100 में से 25 निकाल दीजिए, 75 गुणे 450 ये हो जाएगा क्रय मूल्य, और इसी क्रय मूल्य पर फिर आगे हम लाभ ले लेंगे, अभी काम क्लियर हो जाएगा। तो 25
तिया 75, 25 चौके 100 और 15 तिया 45 150, 4 डेढ़ 6 मतलब 600 रुपये। 600 रुपया क्रय मूल्य है। इस क्रय मूल्य पर उसको 25% का लाभ लेना है। कितना लाभ लेना है? 25% का। तो वह 25% का जब लाभ लेगा तो वह कितने में बेचे? तो विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य निकालना तो 100 ऊपर रखते हैं, जब विक्रय मूल्य निकालना तो 100 पहले नीचे रख देते हैं। अब लाभ लेना है 25, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, हो गया 125। 125 बटे 100 और कितने पर लेना है? 600 रुपये पर, तो गुणे 600, 00 कैंसिल आउट हुआ। 125 में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 5 30, 6 2 12, 12 3 15 और 6 6 7, 750। देखिए कितने सहज ढंग से लग गया। केवल दो टेक्निक काम में आई, एक तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 100 ऊपर लिखेंगे, हानि है तो 100 से घटा के लिखेंगे, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, इनटू में जो धनराशि दी गई होगी विक्रय मूल्य उसको, तो हमको क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसके विपरीत जब विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम 100 नीचे रखेंगे, ऊपर कितना रखेंगे, अगर लाभ है तो 100 में उतना ऐड करके रखेंगे, हानि है तो उतना घटा के, यहाँ पर लाभ है तो 125 बटे 100, 600 के केस में निकालना तो गुणे 600 किया, 750 आ गया। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही एक दिन में गणित का निर्माण नहीं होता है, गणित आप जो है महसूस करिए, गणित के साथ पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं पर केवल फोकस करना है, वहीं पर अपने आप को महसूस करना है, अपने आप देखेंगे कितने जल्दी ये सब चीज़ें सहज हो जाएंगी। तो चलिए और सहज बनाने के लिए उसी पर आधारित ये आया हुआ प्रश्न था आपसे, बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न था। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न किसी एक ही विशेष के लिए है, केवल आपको उसकी स्थिति समझ लेना है। 720 में बेचने पर 25% की हानि है, कितने में बेचे 25% लाभ हो, तो ऐसे चलते चलिए। तो क्रय मूल्य निकालना तो आपको पता है, 100 ऊपर लिखेंगे, 25% की हानि हुई है तो 100 में से 25 घटा दिए 75 हो गया, कितने में बेचा है विक्रय मूल्य यहाँ रखेंगे। उसके बाद आगे हम हल कर लेंगे, 5 से काट दीजिए, 100 25 20 25 100 15 25 75, तो 15 5 24 20, 5 3 15, 24 3 72 होता है 3, वही 240 हो गया, 4 से गुणा कर लेंगे, 4 0 0, 4 4 16, 4 2 8 9, कितना हो गया 960। अब इसी 960 पर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है वो भी 25% लाभ के साथ, तो 125 बटे 100 गुणे 960, 960 पर निकाल लेंगे। उसके बाद 960 पर निकालेंगे तो सीधा 100 से 96 आ जाएगा 5, 25 25 125 5 10, लेकिन 2 2 4 8 1 9, 16 2 8 16, तो 25 8 0 25 4 100 और 11, मतलब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के एक ही प्रकृति के प्रश्न जब आप जाने रहेंगे तो उनको पकड़ लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखेंगे किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो इसमें 20% लाभ है, 20% हानि, दोनों का अंतर 60 रुपये आ रहा है। तो पहले कंडीशन पर चलिए, वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है, तब उस स्थिति में क्रय मूल्य क्या है? आपको पता है कि जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 नीचे लिखते हैं और अगर लाभ होता है तो 100 में उतना जोड़ कर ऊपर लिखते हैं, मतलब 20% लाभ है तो 120 बटे 100, मान लीजिए क्रय मूल्य जो है x है तो x हो गया,
उसके बाद हानि होती है 20% की, तो 100 में से 20 निकाल दीजिए, हो गया 80। यक्ष पर निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य मान लीजिए यक्ष के बराबर है बटे 100, दोनों का अंतर कर लो, बराबर आता है 60। अब 120 एक्स में से 80 एक्स निकाल लीजिए, 120 एक्स में से 80 निकल गया तो 40 एक्स बराबर, दोनों का हर समान है, 100 से उधर गुणा हो जाएगा, 60 है 100 से गुणा हो गया, तो एक्स बराबर 6000 बटे 40, 0 to 0 कैंसिल। उसके बाद 4 4 1/2 6 मतलब 150 रुपये, अर्थात क्रय मूल्य कितना था 150 रुपये। तो देखिए जो पुराने फार्मूले हैं उन्हीं के बेस पर ये सब चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखेंगे, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, या डी ने इसे ₹330 में खरीदा तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा। अब देखिए इसमें हर एक में क्रय मूल्य ही निकालना है, तो शुरुआत हम करते हैं ए से। ये माना ए ने जो है एक्स रुपये में खरीदा, तो ए ने एक्स रुपये में जब खरीदा तो इसका एक्स ले, एक्स ए का क्रय मूल्य एक्स मान लिया। फिर अब आप चले जाइए बी का, बी का हिस्सा क्या होगा, 100 को नीचे रखिए, 25 का लाभ लिया, 125 हो गया। फिर बी ने सी को, अब आ जाइए सी का हिस्सा, ए का हो गया ये बी का हो गया, सी पर आइए, सी ने सी को 20% लाभ, फिर 20% का लाभ लिया गया तो 120 बटे 100। फिर सी ने डी को 10% लाभ पर, सी ने भी डी को 10% लाभ पर दिया, 110 बटा 100। ऐसे सिस्टम चलता रहा और अंतिम प्रोडक्ट डी है। ये हम अब ये इतना जो किए हैं किसका हिस्सा निकाले, डी का, और डी का हिस्सा 330 दिया गया है, अर्थात ये हमारे मानक के हिसाब से और ये सवाल के हिसाब से, तो दोनों बराबर कर लेंगे, 330 के बराबर हो गए। उसके बाद हम इसी को हल कर लेंगे, 0 to 0 कैंसिल, उसके बाद एक्स बराबर यहीं काट लीजिए 25 4 125 125, और 4 को 4 4 3 12। अब चलते हैं आगे, 11 को 11 11 3 33, यहाँ 30 हो गया। अब एक्स बराबर 30, ये है यहाँ 100 और 00 और बढ़ा लो, बटे 5 3 15 15 15 30 00 मतलब 200 आ गया, तो अपना ये 2 500। तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार हमने एक हल्का सा प्रयास किया जिसमें इस श्रृंखला में हम मात्र 10 क्वेश्चन को शामिल किए हैं, और ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ेगी।